चाय के उबाल से जितना धुआं नहीं निकलता, उससे कहीं ज्यादा धुआं निकलता है प्यार के उबाल में। और ऐसा ही धुआं हमें देखने को मिला कलर्स टीवी के शो इंटरनेट वाला लव के सेट पर, जहां जय आद्या को मनाने की कोशिश में लगे हुए थे। बेचारे लड़कों की हालत ऐसी आप देख रहे हैं हमारे, तो ही मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी थप्पड़ खा रहे हैं, कभी धक्का खा रहे हैं, कभी भगाए जा रहे हैं, कभी मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। तो बेचारे जय के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि जब से वो बेचारा गुड बॉय बना है, अच्छी तरह बात करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ आध्या कर रही है। पर वो भी गलत नहीं है, उसकी साइड से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसके डैड के साथ काफ़ी बुरा हुआ, उनको चोट लग गई और मैच फिक्सिंग लग गया उनके ऊपर। तो जय और आध्या दोनों की लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन, डिस्टर्बेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ चल रहा है और वो बेचारी प्रपोज नहीं कर पा रही थी। ज्यादातर दो प्यार करने वालों के पीछे कोई ना कोई पड़ा होता है। आप दोनों के पीछे कौन पड़ा है? वही पड़ा है, और क्या पड़ा? आई डोंट नो, मतलब वैसे देखा जाए तो आपस की रिलेशनशिप की मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर अगर वैसे एज अ व्यूअर आप लोग देखते हैं तो रूपा है, ऐश है, सम्राट है, और पता नहीं कौन कौन है, सब पीछे लगे इन दोनों के। यार नहीं, इन दोनों को प्यार नहीं होना चाहिए। सुना है आप अपने प्यार के लिए कई अवतार लेने वाले हैं। हाँ, बहुत सारे ले चुका हूँ ऑलरेडी, और भी आज, और भी क्या पता नहीं क्या क्या बनने वाला हूँ। उसके घर पे एंट्री लेने के लिए मैं क्या क्या बन रहा हूँ अभी, आप देखें, देखते रहिए इंटरनेट वाला लोग, उसमें नए नए लुक्स आपको जय के लिए देखते रहे। वैसे आध्या को मनाने के लिए जय क्या करेगा? देखो, सबसे होता है अच्छा कि अगर तुम्हारी गलती है तो दिल से सॉरी बोलो, और अगर सॉरी नहीं बोल सकते तो कोई गिफ्ट दे दो। अब पता नहीं, अब तो दोनों चीजें ट्राई कर ली हैं, अभी तो मान नहीं रही, तो अब देखता हूँ अब क्या ट्राई करूँ उसके लिए। अब गुस्सा करना पड़ेगा शायद। अरे नहीं जय, प्यार में गुस्सा अच्छा नहीं लगता, प्यार से मनाओ, आध्या जरूर मान जाएगी। आध्या और जय की लव स्टोरी में लव तो जरूर दिखेगा, और हमारे चैनल क्रिएटिव शेड्स पर आपको आपके फेवरेट टीवी सीरियल्स के पर्दे के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानियाँ, इसीलिए टेलीविजन से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइबर बटन पर जरूर क्लिक करें।